ये जो सिलसिला चलता कि हई होई तो प्रूफ करब, हौ होई तो हई कह दे, तो अलगे हम सुनत नहीं प्रूफे कहके हमार का केहू कहली कलाकार है आदमी। आज क्या फैसला हुआ? एगो सिंह जौन बात कन्फ्यूजने में बाकी पवन सिंह ठीक, ये भी सही नहीं जानते हैं, ठीक है के प्रूफ करे के बाद तो जिकरा कन्फ्यूजन में रहे के बाद कन्फ्यूजन में रखे रहे या रखे, आज प्रूफ करना है वो प्रूफ करे। और ये भी एक बात भाइयों से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे सामने मीडिया है, भाई हैं आप सब मेरे भाई हैं, तो एक लाइन मैं यही कहना चाहूंगा कि जेकरा जवन प्रूफ करे के बा करो, आ जा दिन पवन सिंह प्रूफ डाल दी है तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। पावर स्टार आप कैसे बने, वो तमाम चीजें उसमें एक कलाकार देखिए मेहनत करता है, मैं पावर स्टार हूँ या सुपर स्टार हूँ या भोजपुरिया राजा हूँ या जिद्दी आशिक हूँ, ये सब हमारे में है जो हमारे लिए भगवान है और वही सब दर्जते हैं कि पवन क्या है होगा। इतना तनाव के बाद भी आप मुस्कुराते रहते हैं और चेहरा का ब्राइटनेस इसी तरह खिलते रहता है, क्या कहेंगे? एक भोजपुरिया दर्शक पवन सिंह को गायक बनाए, गायक के साथ 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 नायक बनाए, क्या क्या पवन सिंह बनेगा वो सब से बनेगा। और एक कलाकार कमाई देखा सब, ये सब बहुत बड़ बात ना, लेकिन दुनिया में किसी शख्स का नाम हो इसकी खुशी जो होती है वो उतना उतनी खुशी सिर्फ पैसे से नहीं हो सकती है, बस पब्लिक का आशीर्वाद बना रहे। चार चार जगह पे आपका घर बन रहा है, चर्चा बना हुआ एकदम सुर्खियों में, जहाँ पे पवन सिंह शुरुआत भी नहीं कर रहे थे, जगह आरा में भी फार्म हाउस शानदार बन रहा है, पटना में भी बन रहा है, लखनऊ में भी ले लिए, मुंबई में भी ले लिए, क्या कहेंगे? ये तो मुंबई में आज से थोड़े बार नया लिए, हाँ तो सब लेते रहते हैं भैया, जनता का आशीर्वाद है सब होते जाला, ठीक ना। और रही बात जो आपने बोला कि आप इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कुराते, तो जिस इंसान पे प्रभु का, माँ का, माता का, पिता का, गुरु का, ऑडियंस का आशीर्वाद हो, वो आशीर्वाद अगर बना है और बना रहेगा तो बाकी कहीं ऐसी शक्ति नहीं है जो पवन सिंह की आंख में आंसू ला दे। अच्छा, एक इंटरव्यू में आप बोले थे कि पवन किसी से प्यार नहीं कर सकते, आखिर दर्द कहाँ से है? देखिए क्या है, हर चीज की एक हर चीज की एगो समय होला, जैसे आपने सवाल किया और देखिए हमारे भाई ने बोला कि भैया हम लोगों से प्यार करते हैं, यही प्यार पवन सिंह के जीवन के लिए काफी है, दोस्तों का प्यार भाई हमारे भोजपुरिया समाज जिसमें माता पिता, चाचा चाची, फुआ फूफा, हमारे भाई दोस्त संगतिया, ये सब प्यार बरसता रहे, आशीर्वाद बरसता रहे, पवन सिंह के लिए यही काफी है, मुझे यही सब प्यार में जीना है, बाकी प्यार में पवन सिंह को अब नहीं पढ़ना है। कोर्ट में आप पहुंचते हैं तो पवन सिंह जिंदा लगता है, लोकसभा के रूप में भी आपको लोग देख रहा है कि देखिए क्या रूप पवन सिंह, वो तो समय बताएगा पवन सिंह को हमारे ऑडियंस क्या बनाएंगे, वो सब उन्हीं के हाथ में है। मैं सिर्फ एक कलाकार होने के नाते सिर्फ मेहनत करता हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो हमारे ऑडियंस के हाथ में है। और कोर्ट में हम जाते हैं जिंदाबाद का नारा लगता है, देखिए जैसे हम लोग पहले फिल्म करते थे तो होता था ना कि अरे हिरउआ ही कैसे उड़ल हरे, ठीक ना, तो पहले जानकारियाँ कम थी, तो आज के डेट में जो हमारी ऑडियंस है वो सारे तेज हो गए हैं, वो कोई अब मतलब बेवकूफ़ नहीं रहा और कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ है, सबको पता है कि केबल लगता है हीरो में और खींचा जाता है तो हीरो उड़ता है, उसको इरेज किया जाता है, ठीक है। तो ऑडियंस हमारे इतने तेज हैं, हर चीज़ मुंह पे नहीं लाना चाहिए, हर चीज़ को बोलना नहीं चाहिए, ऑडियंस सब समझती है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या खोट है, कहाँ क्या था है और होने वाला है या होगा, हमारी ऑडियंस को सब पता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्यों बोलूँ जब अगला बोल रहा है ये वो दिस दैट क्या क्या फलाना ढिमका, तो हम भी बोले उसमें जाके, उस पछड़े में जाके हम भी
जो नहीं बोलना है वो बोले, क्या फायदा, हम अपना इज्जत उछालें, उनका इज्जत उछालें, वो हमारा इज्जत उछालें, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, पब्लिक को सब पता है। इसलिए मैं एज ए पवन सिंह मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोलना उचित नहीं समझता। काहे का बोलना, ये जो सिलसिला चला था कि हई हुई तो प्रूफ करब, हऊ हुई तो हई कह दे, तो अलगे हम सुनत नहीं प्रूफे करके हमार का केहू कहली कलाकार है आदमी। आज क्या फैसला हुआ? एगो सीढ़ी जौन बात कन्फ्यूजने में बाकी पवन सिंह ठीक, ये भी सही नहीं जानते हैं, ठीक है उसके प्रूफ करे के बाद तो जिकरा कन्फ्यूजन में रहे के बाद कन्फ्यूजन में रखे रहे या रखे, आज करना है वो प्रूफ करे। ये भी एक बात भाइयों से बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ कि मेरे सामने मीडिया है, भाई हैं। आप सब मेरे भाई हैं, तो एक लाइन मैं यही कहना चाहूंगा कि जेकरा जवन प्रूफ करे के बा करो, जहाँ दिन पवन सिंह प्रूफ डाल दी है तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे, ठीक है। फैसला हुआ तो देखिए पवन जी पावर कोर्ट में फैसला है तो कहीं ना कहीं होगा पावर, जो उचित होगा उसको न्याय मिलेगा। बिल्कुल है, अपना मेहनत करिए, अपनी जिंदगी में विकास देखिए और हर कोई आगे बढ़े। जय हिंद जय भारत। आप बोल रहे हैं कहाँ का हो?